राजीव जी आपका स्वागत है, माइक आपके पास रखा है। क्या तैयारी चल रही है आजकल? सबका साथ सबका विकास आपने नारा दे रखा है जी, खुद कितने उस नारे से जो सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हो उससे खुद आप कितने संतुष्ट हो? क्या सबका साथ सबका विकास हो गया क्या? देखिए संजय जी, सबके सामने ही है कि इससे पूर्व जो 10 वर्ष से पूर्व सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसमें क्षेत्रवाद की राजनीति बहुत हावी थी। जहाँ के मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे उस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में भी ज़्यादा अवसर मिला करते थे। पर्ची खर्ची की सरकार थी। जब से 10 वर्ष से माननीय मनोहर लाल जी ने यहाँ सत्ता संभाली तो मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि क्षेत्रवाद की बाउंड्री को तोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर जो विकास कार्य शुरू किए गए और क्षेत्रवाद की राजनीति को ख़त्म किया गया, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ आज उसी का परिणाम है कि हमारे क्षेत्र में भी हर जगह जो योग्य बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है, और जहाँ रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर हरियाणा एक, हरियाणा भी एक करते करते हरियाणा से बाहर कर दिए मनोहर लाल जी। देखिए 9.5 वर्ष कोई छोटा अवसर नहीं है। पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद दोबारा ने उनके चेहरे पर ही सरकार दोबारा आई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, उसके बाद 9.5 वर्ष के बाद अगर उनको केंद्रीय, अगर हमारी पार्टी को लगा, शीर्ष नेतृत्व को ये लगा कि उनको केंद्रीय सरकार में आगे बड़ी जिम्मेवारी संभालने का मौका मिलना चाहिए, और आज देखिए कोई छोटी बात नहीं, हरियाणा का एक व्यक्ति जो पहले लगातार 9.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, आज वो शहरी विकास मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है, तो हमें तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं, आगे बहुत अच्छे कार्य देश के लेवल पर भी करेंगे। आपको तो उनसे उम्मीदें हैं, पर बीजेपी को शायद उनसे उम्मीदें नहीं थी हरियाणा को लेकर के। बीजेपी को अगर उम्मीदें ना होती तो बीजेपी ने ऐसे बहुत से नेता हैं जो मुख्यमंत्री थे पर उनको कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, उनको हटा रखा है। आप ये बात किस बिना पर कह रहे हैं, मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा कि उनसे उम्मीदें नहीं है। चलिए पलवल पे आते हैं सीधे सीधे। पलवल में 5 साल से आपके विधायक हैं, अभी अगर आगे आएंगे तो शायद उनसे बात करेंगे, और 5 साल से आपके विधायक बिना विधायक के विधायक हैं जी। बिना विधायक के भी सरकार में थे पूरी तरह से जी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे वो। 10 साल के अंदर पलवल की आपसे, पलवल शहर की आपसी एक समस्या नहीं सुलझी, जल भराव की। थोड़ी सी बारिश होते ही पलवल आपके, चाहे विधायक का निवास हो, चाहे आपका निवास हो, चाहे आपके और नेताओं के निवास हो, सब गंगा जमुना सरस्वती संगम बन जाता है सारा जी। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया जी, जल भराव की समस्या। मैं इसको एडमिट करता हूँ, मैं इसमें कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहता। जल भराव की समस्या पलवल में पिछले खाली इस 10 वर्ष से नहीं, उससे पहले की सरकारों में भी। पिछलों को तो हटा दिया लोगों ने, 10 साल से तो आप अपनी जवाबी दो। 10 साल आपको बोला, मैंने आपको बोला कि बिल्कुल निश्चित रूप से समस्या जल भराव की पलवल में है। मेरे कहने या ना कहने से समस्या ये खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि समस्या तो है ही। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, सब पार्टियों के लोग भी बैठे हैं, जनता भी बैठी है, इस समस्या का प्रभावी रूप से निराकरण होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है इसमें और कार्य करने की जरूरत है, और हमारे विधायक जी भी अभी आने वाले हैं। मैंने तो उनको भी कई बार मिलकर भी कहा कि पलवल के लोग इस समस्या से त्रस्त भी हैं और इसको और ज़्यादा प्रभावी रूप से करा जाना चाहिए। विधानसभा में विधायक ने और आपकी सरकार ने ये कहा था कि पलवल के हमने चारों तरफ रिंग रोड पर नाला बना दिया है, इस नाले के बनने के बाद में समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या खत्म होने का छोड़ो हुजूर, 135 करोड़ रुपये पानी में बह गए आपके। देखिए संजय जी, मैंने आपको फिर बोला कि उन्होंने प्रयास किया, आपने खुद ही बताया कि उन्होंने विधानसभा में जवाब भी दिया, उन्होंने वहाँ पर बोला कि हमने चारों तरफ रिंग रोड पर नाला की जो बता रहे हैं बनाया, लेकिन पलवल में जो नाला ये आगरा कैनाल जा रहा है, यही एक नाला है जिसके ऊपर सारा लोड रहता है, सारा पानी का। नहीं, बढ़ाया है, बदला है नाला तो आपका बनाया है, मैं कहता हूँ चारों तरफ बना दिया। बंगोरी रजवा की बात आती है हमेशा, उसको भी पक्का किया, उसको भी पक्का कर दिया, प्रयत्न किए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, प्रयत्न किए, लेकिन और प्रभावी रूप से किए जाने चाहिए थे। तो मैंने तो आपसे बैठते ही एक बात बोली कि प्रभावी रूप से प्रयास और ज्यादा होने चाहिए थे। और अभी हमारी सरकार कार्य कर रही है, बैठते ही पहली बार सारा कार्य नहीं भी हो जाता। मंगला जी ने अच्छा अपनी क्षमता अनुसार कार्य किया, मतलब 10 साल कम है। मैं ये कह रहा हूँ, मंगला जी ने क्षमता अनुसार प्रयास किए, और उन्होंने, आप खुद बता रहे हैं कि सारे उन्होंने नालों को पक्का भी कराया, बढ़ाया, कोशिश की, लेकिन अभी अगर वो कोशिश काफी नहीं रही तो उसमें और प्रयत्न किए जाएंगे, उसमें और कार्य किया जाएगा। अभी निश्चित रूप से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो उसके बाद उसको आगे कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और इस कार्यकाल में उसको पूरा कर लिया जाएगा। चलिए राजीव जी, अब दूसरी बात पे आपके साथ आता हूँ। सड़कों के बारे में आपके जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं किशन पाल गुर्जर, वो लोकसभा चुनाव में भी कहते थे कि जी गूगल मैप पे देख लो, जो सड़कें हमारे पलवल फरीदाबाद की अब हैं ये ऐसी पहले नहीं थी। गूगल मैप पे देखो उनको, शायद आपको भी दिखती होंगी गूगल मैप पे, पलवल की पंचवटी रोड को देखो, पलवल की पुरानी जीटी रोड को देखो,
पलवल के अंदर आप जाते हो तो अभी बस स्टैंड की रोड नहीं बन रही है, उसको देखो गूगल मैप पे, वो भी दिख जाएगी शायद आपको जी। ये गूगल मैप पे जाके देखें या आप वैसे जाके देख लेंगे कभी? देखिए सड़कों की बात जो आपने करी संजय जी, अच्छी बात करी आपने सड़कों की। सबसे पहले पहली सड़क जो मैंने बताई ना, उसको 18 महीने नहीं हुए बने हुए, टूट गई, कल्याम हो गई, दूसरा टेंडर हो रहा है। मैं उस एक सड़क की बात भी करूंगा, पुरानी जीटी रोड की, उसको जितना बनना चाहिए था जो उसका बजट था उससे कई गुना लगा, कोई पता नहीं कभी उसके लिए कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तीसरी बन रही है और बनने से पहले टूट रही है जी। संजय जी आपने एक सड़क की बात करी, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि पहले आप जो सड़कें अच्छी बनी उसके बारे में बात करिए। धतीर गांव में आप देखिए जो सड़क की पहले दिक्कत थी, आज उसको कंक्रीट की पूरी आरएमसी की सड़क बनी हुई है और पूरी 3.5 करोड़ की लागत से। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए थे, घोषणा करके गए थे और उनके रहते रहते ही वो पूरी सड़क का काम हो चुका है जी। और आज वो ऐसी सड़क बन चुकी है जहाँ पानी भरा हुआ करता था, सड़क हमेशा बनती थी और टूट जाया करती थी, लेकिन आज वो समस्या का निराकरण पूरी तरीके से हो चुका है। आपने बात करी ओल्ड जीटी रोड की, आप देखे सोना पुराना सोना रोड है, उसकी जो सड़क थी वो भी दोबारा उसका काम हो चुका है, वो भी सड़क ठीक से बना दी गई है। आपने पंचवटी, इसके अलावा मैं और भी बात करूं सारी सड़कों की, हमारी सरकार में तो आप देखिए मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया। वो तो अभी एक बात रघुवीरा भी कह रहे थे, वो मैं आपको कह रहा हूँ वो कमी की बताएंगे, हम वो बात भी तो बताएंगे साथ में। कमी जो कार्य करता है उससे ही कमी रहती है, जो काम करेगा कमी उसी से तो रहेगी, कि जो खाली उंगली उठाकर इशारे करेंगे, जो आरोप लगाएंगे उनसे रहेगी कमी। रघुवीरा जी के टाइम पर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सब किसी से छुपा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव जब शुरू हो रहा था जी, तो उस टाइम पे धड़ाधड़ आपके विधायक लग रहे थे, आपके मंत्री लग रहे थे, नेता लग रहे थे, नारियल फोड़ रहे थे, फीते काट रहे थे, ठीक है जी जी। अब विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, आपके विधायक लग रहे थे, चेयरमैन लग रहे, चेयरमैन को मैंने बुलाया था, वो आए नहीं, आते तो उनसे ही पूछते जी। वो लग रहे थे धड़ाधड़, पहले सो जाते हो आप लोग क्या? देखिए पहले नहीं, लगातार रूप से सारी सड़कों का काम चलता आ रहा है। आप देखिए न्यू कॉलोनी की सड़क, उसका काम भी चल रहा है अभी। न्यू कॉलोनी में जाके देखो ना आप राजीव जी, सबसे पॉश एरिया बारिश है? बारिश के कारण बनती बाद में टूटती पहले, आपकी सरकार में 4 बार बन चुकी। संजय जी जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आप न्यू कॉलोनी में मलिक नर्सिंग होम के सामने जो पूरी सड़क बनी वो अच्छे से सड़क बनी हुई है, कहां वो टूटी है सड़क? आप सीधी रोड को देखिए ना, बिजली बोर्ड के सामने रोड आज देख लीजिए आप। बिजली बोर्ड के जो सामने सड़क है उसका भी टेंडर हो चुका है, वो भी दोबारा बनने जा रही है। कितनी बार टेंडर कराओगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सड़क पानी भराव के कारण जो टूट जाती है उसकी व्यवस्था मैंने आपसे आते ही कहा कि पानी भराव की समस्या को दूर करना पहली प्राथमिकता है। चलिए अभी हरित बैसला बैठे थे शायद चले गए जी, कॉलेज खोल दिए आपकी सरकार ने जी, प्रोफेसर दिए नहीं बिल्कुल, स्कूल खोल दिए, मास्टर दिए नहीं, पीएन तक की व्यवस्था नहीं है बिल्डिंग बनाने में, क्योंकि ठीक ठाक जुगाड़ बन जाता है ठेकेदारों का, इनका उनका सबका, उसके बाद में वो बन गए स्कूल कॉलेज बिल्डिंग बन गए, बच्चे दीवारों को देखेंगे और पढ़ेंगे, यही बनेगा क्या? देखिए अभी आपको विधायक जी ने मुझसे पहले बताया, मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया 1,40,000 नियुक्तियाँ हमारी सरकार ने करी। उसके बाद TGT टीचर्स के बारे में उन्होंने बताया, 8,000 टीचर्स को अभी नियुक्ति पत्र दिए गए, आज भी पेपर चल रहा है सैनिकों के, आज भी पेपर चल रहे हैं, आज भी चंडीगढ़ में बच्चे पेपर देने गए। पुलिस की भर्ती आज भी हो रही है, आज भी भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती का पेपर आज भी चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित रूप सतत रूप से लोगों की नियुक्तियां दी जा रही हैं। और मैं तो आपको कांग्रेस पार्टी की बात बताता हूँ, आप देखिए कौशल रोजगार निगम, एक मिनट मेरे को बात, कांग्रेस पार्टी को मेरे को अपनी बात तो करने दीजिए। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा सरकार ने जो सरकारी पक्की नौकरियां नहीं मिल पा रही थी तो कच्ची नौकरी देकर लोगों को रोजगार देने की अपनी उनकी मंशा थी, उनको रोजगार दिया जी। और नायब सिंह सैनी जी ने जैसे ही पदभार संभाला उन्होंने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति जिनको कौशल रोजगार निगम में 5 वर्ष पूरे हो गए रोजगार को, उनको 58 वर्ष तक पूरी सरकार में स्थायित्व दिया जाएगा, नौकरी में उनकी नौकरी नहीं जाएगी। बिना होमवर्क के आपकी सरकार ने काम, कांग्रेस पार्टी ने 4 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो गया, सारी घोषणाएं धरी रह गई। उसके लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आज आपके अखबार में ही है, आपकी देश रोजाना में लिखा, अपनी देश रोजाना पढ़िए आप सर। उस नोटिफिकेशन का मगुजी आरोप लगाने का उचित जब है, मैं कह रहा हूँ आपकी अखबार में तो सत्य को प्रमाण को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप अपना अखबार पढ़िए, आपके अखबार में लिखा हुआ है। आपकी सरकार ने कह दिया आप नोटिफिकेशन ला रहे हैं, ला रहे नहीं है, ला चुके हैं, राज्यपाल को भेजा गया अभी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन ला चुके हैं, कैसे लागू होगा? लेकिन मैं एक बात और कर रहा हूँ, जनता को ये बात समझनी चाहिए कि हम नोटिफिकेशन लाके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, उनको पक्का करना चाहते हैं, लेकिन हुड्डा जी ने घोषणा कर दी कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस कौशल रोजगार निगम को खत्म कर देंगे जी। तो मैं कहना चाहता हूं इस समय जनता को यह भी देखने की जरूरत है कि लोगों की सरकार की मानसिकता क्या है।
एक तरफ वो सरकार है, चलो आप कह रहे हैं घोषणा लाकर, उन्होंने अभी ये अभी फिलहाल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, आगे पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करी उन्होंने। इतने सारे जो लोग एचईआरएन में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पक्की कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिला हुआ है, उनके घर चलते हैं उनसे। दूसरी तरफ हुड्डा सरकार क्या कह रही है, अगर हुड्डा सरकार में आते हैं तो हम इस कौशल रोजगार निगम को ही खत्म कर देंगे। राजीव जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बात देखने की जरूरत। आप नौकरी का जो ये हरियाणा कुछ कर्मचारी संगठन के लोग बैठे हुए हैं अभी अभी, लो जी सरकारी कर्मचारी अध्यापकों की बात अभी आप 5 मिनट बाद देंगे जी, पहले एक बार कर लें फिर देते हैं हम। सरकारी नौकरी में जी अध्यापक भी यहाँ जरूर कोई बैठे होंगे, एक टीचर से पूछो और एक गेस्ट टीचर से पूछो, उनका जो बीच का फासला, उनकी टीस क्या है, उनका दर्द क्या है। गेस्ट टीचर जो हुड्डा साहब ने शुरू किए थे, एक प्रथा चलाई थी गेस्ट टीचर की, वो आज तक गेस्ट ही गेस्ट रह गए बेचारे, ठीक है। रोज़ वो आंदोलन करते हैं, रोज़ संघर्ष करते हैं, हमारे कर्मचारी संगठन के लोग हैं रोज़ उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाते हैं। 10 साल ये बीत गए, 10 साल पहले वाले बीत गए, ठीक है जी। आपकी सरकार आ गई, उन्होंने तो गेस्ट टीचर लगाए थे, इन्होंने कौशल निगम शुरू कर दिया। सरकारी नौकरी देने में कहाँ दिक्कत है जनाब? देखिए इसके लिए मैं आपकी बात अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए बकायदा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती, सरकारी नौकरी दी जाती। एक बाबू बैठा हुआ 50,000 ले रहा है, एक बाबू बैठा हुआ 15,000 ले रहा है, 15,000 लेने वाला बाबू क्यों काम करेगा जनता का, मुझे बताइए आप। संजय जी, कौशल रोजगार निगम जब बनाया था उसके पीछे एक सोच थी और मैं आपको बताता हूँ, अपनों को एडजस्ट करने की, अपने ठेकेदार ने आप उसके पहले जवाब, या तो आप सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ राजीव जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, या तो मेरा जवाब लीजिए। बताइए, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ। उसके पीछे एक सोच थी कि नीचे अधिकारी जो एक नौकरियां खाली पद पड़े रहते थे उस पर अपनी मर्जी से ही भर देते थे, तब लोगों का आरोप ये रहता था कि अधिकारी पैसे लेकर नौकरी लगा देते हैं जो उनकी पसंद का होता है। उन पदों को भरने के लिए मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया जा रहा है जी, जिसमें नीचे से मेरिट बनकर जाया करेगी, सारे पद जो होंगे उसमें सारे के सारे अधिकारी अपनी बता दिया करेंगे उनको कितनी जरूरत है, यहाँ पर कितने अधिकारी उन्हें चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए, और वो सारा का सारा डाटा ऊपर भेजते थे और उसके माध्यम से जब सारी चीज निकल जाती थी तो नौकरियां निकाली जाती थी और एचकेएनएन के माध्यम से उनको भरा जाता था जो पहले भी कच्ची नौकरियां ही थी। ऐसा नहीं है कि पक्की नौकरियों की जगह कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं। संजय जी, जो पहले ही कच्ची नौकरियां थी जो नीचे अधिकारी लगाया करते थे अपने लिए, ऐसी बहुत सारी नौकरियां राजीव जी हुई जिसमें पक्की भर्ती होनी चाहिए थी, वो पक्की भर्ती करने के बजाय एचकेआरएम लगा दिया उसके। संजय जी, पक्की भर्तियां तो आज भी निकल रही हैं, उसमें किसने किसी को रोका, उसमें किसने रोका हुआ है कि वो पक्की नौकरियों में अपना आवेदन ना करें और खाली एचकेआरएम में आवेदन करें? अगर कोई योग्य व्यक्ति है, अगर वो चाहता है, उस योग्यता को पूरा करता है, तो जो पक्की नौकरी निकल रही है, जैसे आज आपने बताया सिपाहियों की भर्ती निकल रही है, तो सिपाही की भर्ती में जो लोग उसके लिए योग्य होंगे, जो एलिजिबल होंगे, उसके लिए उसमें आवेदन करेंगे और उनको रोजगार मिल जाएगा। चलिए, मतलब ये तो एक टाइम गैप अरेंजमेंट बना था। आप ये मानते हैं कि सरकार का सब भला भला है, एचकेआरएम ने बहुत अच्छे काम किए हैं? देखिए संजय जी, सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ भला हमेशा नहीं होता। मैंने बैठते ही बोला प्रयत्न की कीमत होती है, आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए। मनोहर लाल जी ने अच्छी सोच के साथ एचकेआरएन कौशल रोजगार निगम बनाया था जिससे कि कम से कम अधिकारी अपनी मनमानी करके नीचे युवाओं को ना लगाए पैसे लेकर या और रिश्वत, उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीयत से शुरू किया था जी। ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। देखिए एक दिन में 33, आपने मुझे अभी पंचवटी रोड की बात करी, सुनिए मैं, आपने मुझे अभी पंचवटी रोड की बात करी कि एक रोड जहां पर ऐसी है कि जो टूट गई और जो टाइम से, मैंने उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया, मैं उदाहरण की बात करता हूँ, उदाहरण तो बहुत सारे, मैं उदाहरण की बात करता हूँ। मैं पहले अभी एक वैभव क्रांति चैनल पे बैठा था, वहां पर मुझसे पूछा कि जी ये एक रोड टूट गई है, ये तो 3 साल का इसका टाइम होता है और 3 साल से पहले टूट गई है। मैंने देखा लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं, आरोप लगाते हैं, क्या किसी एक भी व्यक्ति ने लिखित में कोई शिकायत उसके लिए दी? किसी भी एक व्यक्ति ने? क्या सारा का सारा फर्ज नेताओं का और सारे के सारे आरोप नेताओं पर ही रहते हैं? उसकी 13 RTI लगी हुई है। RTI की बात नहीं हो रही संजय जी, लिखित में शिकायत किसने दी आप मुझे बताइए? आपने शिकायत दी, किसने दी आप मुझे RTI में ये बताइए, शिकायत किसने दी? RTI शिकायत तो है, RTI में आपने पूछा कि ये टूटी कि नहीं टूटी? नहीं, टूट गई है, पूछा कि कब सड़क, आपने ये पूछा कितने टाइम पहले इसका ठेका हुआ था, कितने का हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे बड़ा, लेकिन अनियमितता के लिए उसके खिलाफ सिंपल एक तरीका है,
आरटीआई का जवाब देंगे नहीं, उसके बाद 10,000 रुपये जुर्माना भर देंगे, तेरी भी मौज और मेरी भी मौज, और मैंने शिकायत लगाई। देखिए संजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल शुरू किया था। कौन सा? मुख्यमंत्री जी का जो आरटीआई का, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, मैं शिकायत के लिए बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री विंडो तो आपकी शायद मुझे लगता है बंद हो चुकी है। नहीं, कोई बंद नहीं हुई है, बिल्कुल खुली हुई है। सीएम विंडोज नहीं, नहीं बंद नहीं हुई है, अब तो काम नहीं कर रही भाई साहब, बंद नहीं है। आप, मैं वही बता रहा हूँ, बिना तर्क के, बिना किसी आधार के मैं कह रहा हूँ, सीएम विंडोज बंद है, आप मेरी बात समझिए ना। क्योंकि आपके जो नए वाले मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा कि सीधे मेरे पास आ जाओ, विंडो की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएम विंडो खत्म नहीं, मैंने खुद, मैं वकील हूँ, मैंने परसों उसमें शिकायत दी है भाई साहब। चलिए, वो ऑनलाइन रह गई है बस, अब चलिए रह रही है। चलिए, तो ये थे राजीव कत्याल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।